टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और उनकी पत्नी हंसी जहां की शादीशुदा जिंदगी में हुए विवाद हर किसी को याद है। ऐसे में आपको बता दें कि अब शमी की पत्नी हंसी जहां एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि शमी की पत्नी हंसी जहां सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। हंसी जहां इंस्टाग्राम पर लगातार अपनी फोटो और वीडियो शेयर कर सुर्खियां बटोरती रहती हैं। हंसी जहां ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपने एक फोटो को शेयर करा है। इस तस्वीर में हंसी जहां बेहद खूबसूरत लग रही हैं। ऐसे में आपको बता दें कि जिसमें वो ब्लैक एंड व्हाइट कलर की मैक्सी पहनी हुई नजर आ रही हैं। और ऐसे में उनकी इस तस्वीर के बाद हर कोई उनको ट्रॉल करना शुरू कर रहा है। बता दें कि इंस्टाग्राम पर हंसी जहां की इस तस्वीर को काफी पसंद भी किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर लोगों ने उन्हें ट्रॉल करना भी शुरू कर दिया है। बता दें कि इंस्टाग्राम पर कुछ यूजर्स हंसी जहां को ट्रॉल करते हुए उन्हें बूढ़ी कह रहे हैं। बता दें कि इस तस्वीर में हंसी जहां काफी स्लिम लग रही हैं, लेकिन लोगों ने उन्हें बूढ़ी बताया है। एक यूजर्स ने हंसी जहां की फोटो पर कमेंट करते हुए कहा है, भाभी कुछ भी कर लो लेकिन अब शमी भाई वापस नहीं आएंगे। बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब हंसी जहां को ट्रॉल किया जाता है। बता दें कि हंसी जहां को अक्सर ऐसे ही उनकी तस्वीरों पर ट्रॉल किया जाता है। बता दें आपको कि साल 2018 में मोहम्मद शमी पर उनकी पत्नी द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद ये दोनों ही अलग हो गए थे। बता दें आपको कि हंसी जहां ने शमी और उनके भाई के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। ऐसे में आपको बता दें कि हंसी जहां लगाए गए सारे आरोप बाद में झूठे करार दिए गए थे। बता दें आपको कि मोहम्मद शमी ने 6 जून 2014 में कोलकाता की मॉडल हंसी जहां से शादी की थी। हंसी जहां एक मॉडल थी, फिर वो कोलकाता नाइट राइडर्स की चीयरलीडर बनी। इसी दौरान दोनों की मुलाकात हुई और दोनों एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। इसी के बाद दोनों ने शादी कर ली और फिर अपनी शादीशुदा जिंदगी में बिजी हो गए। लेकिन साल 2018 में हंसी जहां ने शमी पर इतना गंभीर आरोप लगा दिया जिसके बाद दोनों का अलग होना पड़ा। बता दें आपको कि दोनों का अभी तक तलाक नहीं हुआ है, लेकिन अब दोनों अलग अलग रहते हैं। एनपी न्यूज रूम की रिपोर्ट।